नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वे टू सक्सेस। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो वैकेंसी बहुत सारे निकले हैं, वहाँ पर हम देखेंगे कैसे कि डॉक्टर का वैकेंसी से होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का वैकेंसी हम देखते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप हम देखते हैं। दिस इज द वेबसाइट वी हैव टू अप्लाई, www.opc.gov.in। ओके, सो हेयर विल रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 21 मे, इट विल एंड इन 22 जून, मतलब बहुत सारा आपको टाइम है। वहाँ पर देखिए टोटल 186 पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर, मतलब ये अगर आप होम्योपैथी में मेडिकल किए हैं, अगर आप आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अगर आप BHMS मतलब बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी किए हैं और इक्विवेलेंट डिग्री किए हैं, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, देन आपके लिए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है। देखते हैं, डिटेल्स देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए वहाँ पर क्या कितना कितना पोस्ट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये कहीं से नहीं है, पूरा प्योरली ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन आया है। देखिए, जनरल कैटेगरी का 87 पोस्ट है, SC/BC का 6 पोस्ट है, SC का 8 पोस्ट है, ST का 85, टोटल 186 पोस्ट है। और वहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, वहाँ पर वोमेन का रिजर्वेशन भी साइड में लिखा हुआ है, जैसे कि यू आर में 26 वोमेन के लिए, SC/BC में 2 वोमेन के लिए, SC के लिए 2 वोमेन एंड ST के लिए 26 वोमेन, टोटल 56 वोमेन के लिए रिजर्वेशन है। स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विस मैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी आपका रिजर्वेशन है। देख लेते हैं फिर हमारा जो ज़रूरत है, एज देखिए, एज वहाँ पर 21 से 32 है, और एज रिलैक्सेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC के लिए, ST के लिए, SC/BC के लिए, वोमेन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 10 ईयर्स, अगर आप डिसेबिलिटी है 10 ईयर्स आपका रिलैक्सेशन है, परमानेंट डिसेबिलिटी, एंड परमानेंट विथ डिसेबिलिटी आपका है, विथ आप अगर SC/ST/SC/BC कैटेगरी में है तो आपको 15 ईयर्स तक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोल दिया हूँ, आप BHMS मतलब बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी किए हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जामिनेशन फी कितना कितना है। एग्जामिनेशन फी आपका देखिए 500 रुपीज है जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप SC और ST है, और ओडिशा पर्सन डिसेबिलिटी है एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी, मतलब आपको कुछ फी नहीं है। देन कैसे हम सिलेक्शन होगा, देखिए उसमें कैसे सिलेक्शन होगा डिटेल्स हम बोल देते हैं। रिक्रूट पोस्ट ऑफ होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर मेन बेसिस कैरियर मार्किंग एंड रिटिन टेस्ट का कैरियर मार्किंग 30% है और रिटिन के लिए 70% है। उसमें जो रिटिन एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर आएगा, 100 मार्क्स का ईच, एंड 1.5 आवर फॉर ईच पेपर के लिए। ये MCQ क्वेश्चन होगा और आपका जो BHMS करिकुलम से होगा, और नेगेटिव मार्किंग आपका विल बी फॉलोड बाई इन केस ऑफ रॉन्ग रेस्पॉन्स के लिए नेगेटिव मार्किंग है। आप डिटेल्स क्या क्या है आप देख लिए। वहाँ पर एग्जामिनेशन आपका कटक भुवनेश्वर में होगा, आप सिटीजन ऑफ उड़िया आपका जैसे रहना चाहिए, मिडिल स्कूल नहीं तो आपको स्पेशली जैसे उड़िया का आपको एक पास करना पड़ेगा, क्लियर। देन सिटीजन ऑफ इंडिया, स्पीक उड़िया, राइट उड़िया, रीड उड़िया, तो ये सभी आपका क्राइटेरिया है। NOC अगर जॉब करें आप, NOC आपको चाहिए, क्लियर। आपका जो email ID ये सब आपको एक्टिव रखना है, वहाँ पर क्या करना है, आपका नोटिफिकेशन आएगा और रजिस्ट्रेशन आप जब कर रहे हैं आपका, वहाँ पर आपका सिग्नेचर थम इम्प्रेशन है, फुल सिग्नेचर डेट सेम रहना चाहिए, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई, अगर रिटन एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं, देन आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बोला जाएगा, ये सब डॉक्यूमेंट रहना है, ये बात की बात है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल व्यू कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।